आज की कहानी का नाम है बूढ़े शेर की चालाकी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक बूढ़ा शेर सरोवर के किनारे अपने बुढ़ापे के दिन काट रहा था। अब इस बूढ़े शेर में इतनी शक्ति तो नहीं रही थी कि वह अपने लिए स्वयं शिकार कर सकता, किंतु भूख से पहले की भांति ही लगती थी। मांग कर वह खा नहीं सकता था, किसी जानवर से भी वह नहीं कह सकता था कि तुम मेरी सहायता करो। फिर क्या करे, जंगल में हजारों प्रकार के फल फूल थे जिनसे पेट भरा जा सकता था, मगर शेर तो मांसाहारी होता है, उसका पेट इन फलों से कैसे भरता। जैसे तैसे बूढ़ा शेर अपना समय काट रहा था। एक दिन जंगल में उसे सोने का एक कंगन पड़ा मिल गया। उसे उठाकर उसने अपने पास रख लिया। उस बूढ़े शेर का दिमाग बहुत तेज था। वह सोने के कंगन को लेकर सरोवर के किनारे बैठ गया और जैसे ही वह किसी राह चलते यात्री को देखता तो बड़ी गंभीरता से कहता, भाई यदि तुम्हारा यह सोने का कंगन गिर गया है तो लेते जाओ। पथिक जानते थे कि यह तो शेर है, सोने का कंगन तो क्या देगा, उल्टे हमें ही खा जाएगा। यही कारण था कि लोग उसकी बात सुनते ही सिर पर पांव रखकर भाग जाते। बूढ़ा शेर अपने इस असफलता पर बहुत दुखी होकर फिर किसी नए शिकार की तलाश में बैठ जाता। वह यह बात अच्छी तरह जानता था कि सोने को देखकर हर आदमी के मुंह में पानी भरता है। समय काटने के लिए शेर छोटी मोटी चिड़ियों का ही शिकार कर लेता, किंतु उसे जो मोटा मांस खाने की आदत पड़ी हुई थी वह नहीं छूट सकती थी। एक दिन शेर सुबह नहा धोकर बड़े धैर्य से वृक्ष के नीचे बैठा किसी शिकार की प्रतीक्षा कर रहा था कि दूर से उसे एक युवक आता हुआ दिखाई दिया। वाह वाह, इस पुरुष का शरीर बड़ा हृष्ट पुष्ट है, इसका मांस तो बहुत ही मजेदार होगा, यदि यह मेरे जाल में फंस जाए तो आनंद आ जाएगा। शेर उसको अपने निकट आते हुए देखकर मन ही मन सोचने लगा। शेर के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, साथ ही उसे अपनी जवानी के दिन भी याद आ रहे थे। वह बार बार यही सोच रहा था कि काश वह जवान होता तो एक झटके में ही इस युवक को मारकर खा जाता। हाय बुढ़ापा, तू तो सबसे बुरा है। जैसे ही वह युवक उसके पास से गुजरा तो वह बोला, अरे भाई आपका यह सोने का कंगन गिर गया है, इसे तो लेते जाओ। सोने का कंगन, वाह वाह क्या बात है, अंधा क्या मांगे दो आंखें, मैं तो गरीबी से तंग आकर ही अपना घर छोड़कर परदेश जा रहा हूँ, यदि मुझे यह सोने का कंगन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊंगा। यह सोच जैसे ही उसने पलटकर उस शेर की ओर देखा तो सन रह गया। अरे बाप रे, यह तो शेर है, यह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, मगर सोने का कंगन, आखिर मुझे कंगन प्राप्त करने के लिए थोड़ा जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। बड़ों ने ठीक ही कहा है कि जब तक मनुष्य जोखिम नहीं उठाता तब तक वह धनी नहीं बन सकता। फिर वह धन कमाने के लिए ही तो परदेश जा रहा है, वहां भी उसे बिना कुछ करे धरे धन कैसे प्राप्त होगा। अब तो वह बूढ़ा और मरियल शेर स्वयं उसे बुलाकर कंगन दे रहा है। उसे क्या पता है कि यह कंगन किसका है, मैं उसके पास जाकर यह कंगन बड़े आराम से ले सकता हूँ। लालच में अंधा हो गया था वह युवक। बस वह झट से मुड़ा और शेर के पास जाकर बोला, जंगल के राजा आप तो बहुत दयालु और ईमानदार हैं, लाइए मेरा कंगन, देखूं आप सत्य कह रहे हैं अथवा तुम मुझे संदेह की नजरों से उचित ही देख रहे हो। मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, क्योंकि मैं बदनाम हूँ, लोग मुझे बर्बर और भयानक जानवर मानते हैं। अब मैं तुमसे क्या झूठ बोलूं कि मैंने अपनी जवानी में बड़े बड़े पाप किए हैं, मैंने कई ब्राह्मणों और अनेक गांवों का खून किया है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा पाप संसार में और कोई नहीं हो सकता। शायद इस पाप का ही तो फल था कि मेरी पत्नी मर गई। अपनी पत्नी के दुख से मैं संभल भी नहीं पाया था कि मेरे दोनों बच्चे भी मर गए। अब तुम ही सोचो कि जिस प्राणी का सारा वंश ही मिट गया जाए वह बेचारा क्या करे। इस
दशा में मेरा मन बहुत ही उदास हो गया है। मैं सोचने लगा कि इस जीवन से तो मौत ही अच्छी है। यही सोचकर मैं आत्महत्या करने के लिए इस नदी के तट पर आया। यहीं पर मुझे एक तपस्वी साधु मिला। उसने मेरे मन की बात जान ली और मुझे गुरु मंत्र देते हुए कहा, आत्महत्या उन पापों से भी बड़ा है जिनके प्रायश्चित के लिए तुम मरना चाहते हो। इन पापों के प्रायश्चित का यही मार्ग है कि तुम अब भले काम करो, धर्मात्मा बन जाओ। शेर कहता गया, बस उस दिन से ही मैंने अपने गुरु का कहा मानते हुए अपने आप को बुद्धि कर्म का पुजारी बना लिया। अब मैं रोज सुबह उठकर इस नदी में नहाकर पूजा पाठ करता हूँ, फिर मुझसे जो भी भला काम होता है उसे करता हूँ। तुम तो शायद जानते हो कि शास्त्र में धर्म के 8 मार्ग बताए गए हैं। वे हैं यज्ञ, स्वाध्याय, दान, तप, सत्य, धैर्य, क्षमा और संतोष। इन 8 मार्गों में से पहले 4 अर्थात यज्ञ, स्वाध्याय, दान और तप तो दुनिया को दिखाने के लिए, ढोंग रचाने के लिए भी किए जा सकते हैं, किंतु अंतिम 4 यानी सत्य, धैर्य, क्षमा और संतोष तो केवल महात्माओं में ही रहते हैं। अब तुम स्वयं ही देख लो कि मुझ में तनिक भी लोभ नहीं है। यह सोने का कंगन देकर किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, किंतु एक मैं हूँ जो इसे हाथ तक लगाना नहीं चाहता। लोगों को पुकार पुकार कर कहता हूँ कि भाई अपना कंगन ले जाओ। क्या इस पर भी तुम मुझे धोखेबाज समझते हो? युवक की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वास्तव में सोने का कंगन देखकर उसके मन में लालच आ गया था। फिर उसने रह रह कर अपने गरीब माँ बाप का ख्याल भी आ रहा था, जिनके दुखों को देखते हुए वह घर छोड़ने पर विवश हुआ था। उस कंगन को पाकर तो उसके बहुत से दुख दूर हो जाएंगे। अरे भैया, तुम इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? क्या शंका है तुम्हें? जंगल के राजा, इस संसार में सबसे बड़ा दुख मानव की गरीबी है। मैं गरीब हूँ तभी तो दुखी हूँ। चिंता मत करो प्राणी, मैंने तो तुम्हारी सूरत देखकर ही यह अनुमान लगा लिया था कि तुम बहुत दुखी हो। तभी तो यह कंगन तुम्हें देना चाहता हूँ, भले ही यह किसी और का क्यों ना हो। महाभारत में युधिष्ठिर ने से कहा गया है कि हे धर्मपुत्र, दरिद्रों को दिए गए दान से ही तुम्हारा सम्मान है। जो लोग धनवान हैं उन्हें दान देने का कोई लाभ नहीं। दवाई केवल रोगी को ही लाभ पहुंचा सकती है। जो लोग रोगी नहीं हैं उन्हें दवाई देने का क्या लाभ होगा? इसलिए धन का दान उसी को दो जो निर्धन हो। हमारे शास्त्रों में सच्चा दान केवल वही माना गया है। मैं वही कार्य अपने हाथ से कर रहा हूँ। अब मेरे पास आओ मित्र, डरो मत और यह कंगन ले जाओ। युवक समझ गया कि यह शेर केवल उसकी भलाई के लिए ही सब कुछ कर रहा है। ऐसा सच्चा मित्र उसे जीवन में कहीं नहीं मिलेगा जो बुलाकर सोने का कंगन दे रहा है। फिर ज्ञानी भी कितना लगता है। युवक शेर की बातों में आ गया। लालच ने उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। वह यह बात भूल ही गया कि शेर और मानव की मित्रता कभी नहीं हो सकती। उनमें से एक आग है तो दूसरा पानी, इन दोनों का मिलन कैसा? किंतु यह बात तो प्रसिद्ध है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसे ही युवक शेर के निकट कंगन लेने के लिए गया तो शेर ने बूढ़े चेहरे पर हंसी की रेखा फूट पड़ी। मांस का लोभ उसे अपनी ओर निरंतर खींच रहा था, परंतु फिर भी उसे धैर्य से काम लेना था, क्योंकि शिकार करीब होकर भी अभी कुछ दूर था। अभी तो उसे एक और चाल चलनी थी, अंतिम चाल, पर वह दूसरा शिकार करेगा। लाओ जंगल के राजा, यह कंगन मुझे दे दो। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। पहले आप इस सरोवर में स्नान कर लो ताकि आपका शरीर पवित्र हो जाए, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि दान लेने से पहले दान लेने वाले को पवित्र होना चाहिए। ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं पहले इस सरोवर में स्नान कर लेता हूँ। इतना कहते ही युवक ने अपने कपड़े उतारे और सरोवर में छलांग लगा दी। उसे क्या पता था कि सरोवर में दलदल अधिक और पानी कम है। बस मूर्ख प्राणी फंस गया उस दलदल में।
हजार प्रयत्न करने के बाद भी वह उस दलदल में से अपने आप को बाहर न निकाल सका। अरे मित्र, लगता है तुम तो दलदल में फंस गए हो। हाँ जंगल के राजा, मैं तो बुरी तरह से दलदल में फंस गया हूँ। चिंता ना करो मित्र, मैं तुम्हें अभी निकाल देता हूँ। यह कहकर शेरवरी सावधानी से बचता हुआ उस दलदल में गया। युवक ने देखा कि अब शेर की आंखें पहले जैसी नहीं है। वह उसे यूं घूर रहा है जैसे कोई व्यक्ति अपने सामने खड़े शत्रु की ओर देखता है। उसने सोने का कंगन भी दूर झाड़ियों में फेंक दिया था। इससे यह बात स्पष्ट हो गई थी कि उसके मन में पाप आ चुका था। युवक समझ गया था कि उसने इस शेर की बातों पर विश्वास करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि हर जीव का अपना ही एक स्वभाव होता है। बड़े लोगों ने ठीक ही कहा है कि जल की धारा का, शस्त्रधारी का, नाखून वाले प्राणी का, सिंह वाले पशु का, राजा के घराने का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और यह भी कहा गया है कि सब प्राणियों की परीक्षा उनके स्वभाव से ही की जा सकती है, अन्य गुणों से नहीं। स्वभाव ही ऐसा होता है जो अन्य सभी गुणों को बांधकर प्रमुख हो जाया करता है। जैसे आकाश पर चमकता हुआ चांद सबके लिए शीतल किरणों का प्रकाश फैलाता है, उसे प्रकाश और शांति का प्रतीक माना गया है। मगर उसे भी कभी कभी राहु अपनी काली छाया से ग्रस कर असुंदर बना देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है उसे मिटाने की शक्ति इस संसार में किसी में नहीं है। बेचारा युवक उस शेर की चाल को समझ चुका था, परंतु मृत्यु जब मनुष्य के सामने खड़ी होती है तो उसे आगे पीछे की सब बातें याद आती है। एक बात तो स्पष्ट हो गई कि उस बूढ़े शेर ने उसे जानबूझकर इस दलदल में फंसाया था। किंतु अब पछताए क्या होता है। जब चिड़ियां चुग गई खेत, बूढ़े शेर ने आकर उसे गर्दन से दबोच लिया। युवक के गले से अंतिम चीख निकली जिसमें पछतावे का दर्द था, किंतु उसकी यह चीख उस जंगल में ही गुम होकर रह गई। शेर ने उसकी जान ले ली और दलदल में से निकालकर उसे किनारे तक ले गया, फिर बड़े आनंद से उसके मांस को खाने लगा। इसीलिए कहते हैं कि बिना सोचे विचारे कोई काम ना करो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को लालच में आकर बिना सोचे विचारे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।